47 न्यूज के इस भाग के प्रायोजक हैं साहिल होंडा। दोपहिया वाहन खरीदने के लिए पेमेंट करें पेटीएम से और पाए 1500 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। ओ सर जी, ये तो एक्टिवा 5G। तुझे 5G दिख रहा है, मुझे तो अपना फ्यूचर दिख रहा है। पापा, हेलमेट। गुड मॉर्निंग सर। कम टू क्लासरूम, फ्यूचर दिखाता हूँ। आ गया है नया एक्टिवा 5G। क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, बातें बढ़ेंगी और प्यार तो बढ़ेगा ही। तो आप फ्यूचर के बारे में कुछ कह रहे थे? वो फ्यूचर कुमार, वो यस बैक। सॉरी सर। नया एक्टिवा 5G, लव इज ग्रोइंग। सागर श्री, एक सौगात। सागर संभाग का पहला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब आपके शहर में। 150 बेड, 16 स्लाइड सिटी स्कैन, हाई टेक ट्रॉमा सेंटर, 50 बेड का एडवांस्ड ICU एवं 5 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स के साथ हमारी टीम अब तैयार है। हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, सर्जरी या किसी भी अन्य गंभीर रोग के लिए अब आपको दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब अत्याधुनिक उपकरणों, उच्चतम सुविधाएं एवं अनुभवी डॉक्टरों की टीम सागर में ही आपको कम कीमत में सर्वोच्च सेवा देने के लिए तत्पर है। हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य। सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री पंडित गोपाल भार्गव का एक सनसनीखेज बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं ब्राह्मण होकर भी दलित कन्याओं के पैर पड़ता हूं और पांव पखारता हूं, लेकिन बहुत से ऐसे नेता हैं जो सिर्फ जातिगत राजनीति करते हैं, लफाजी करते हैं, जबकि मैं सामाजिक समरसता की राजनीति करता आया हूं। रहली विधानसभा के दलित आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कड़ता में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह के दौरान जब मीडिया ने मंत्री जी से सवाल किया तो साफ लहजे में इन्होंने कह डाला कि मैं सिर्फ और सिर्फ सामाजिक समरसता की राजनीति करता हूं। कड़ता से और शरारी से दो गांव ऐसे थे जो उस समय ये आदिवासी सम्मेलन हुआ था, वहां हरिजनों का सम्मेलन हुआ, शादी सम्मेलन चला था। मुझे जहां तक स्मरण है कि हरिजन और आदिवासियों के साथ मिलने जुड़ने का काम, सामाजिक समरसता का काम, कुछ लोग तो जातिवाद की बात करते हैं, लफाजी करते हैं, जबकि अनुसरण कोई नहीं करता उसका। मैंने वास्तव में गरीबों के साथ जुड़ने का, छोटी से छोटी समाज अहरवार समाज हमारे यहाँ दलित समाज मानी जाती है, मैंने उनकी बेटियों के पांव पखारे। आज मैंने अभी 2 मिनट पहले आदिवासी बेटी के पांव पखारे। ये मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन इसके बावजूद ही मैं झूठी सब चीज़ों को नहीं मानता। इसका निर्मूल करने के लिए भारत को यदि अखंड रखना है तो इसमें से जातिवाद को समाप्त करना पड़ेगा। ये भाव जो मेरा है, यही भाव अक्षुण है, यही भाव शाश्वत है और यही भाव देश को आगे ले जाएगा। तो गांव देहात में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले ऐसे लोगों का आज ये सम्मेलन है जो अछूते रहते थे सारी चीज़ों से, आज उनके लिए उनकी योजनाओं के बारे में मैंने व्यापक और विस्तृत रूप से बताया। एक बार आवे की भी कोई योजना है ऐसी? ऐसे एक मन में क्या हुआ कि मैंने जब कन्यादान किया था एक दुदोनिया गांव के श्यामले आदिवासी का समय, तो श्यामले आदिवासी के यहाँ से मेरे यहाँ गुड़ के लड्डू आए थे जब उसके यहाँ बच्चा हुआ था, तो उसने कहा भैया वही है बहू आपकी जो बेटी आपकी जिसको आपने कन्यादान लिया। मैंने कितने दिन हो गए? बोले 2 महीने हो गए। मैंने क्या करना है? तो मैं कह रहा अच्छा बचपच हो जाए थोड़ी और व्यवस्था हो जाए राय इत्यादि की, तो मैंने उस दिन जाके ये भी करवाया था। उसके लिए गरीब लोग हैं और उनका भी अपना शौक है, उसके लिए मैंने तमाम साथियों को साथ में ले जाके और हमने वहाँ पर पच ले जाके और ये रस्म भी हमने निभाई थी। कड़ता में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में मंत्री गोपाल भार्गव ने 51 जोड़ों के विवाह सम्पन्न कराए, साथ ही दलित वर वधु के पांव पखारे और उन्हें आशीर्वाद दिया। यह बात सही है कि मंत्री गोपाल भार्गव के बयान भले ही सुर्खियां बनते हो लेकिन विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक समरसता के आधार पर मंत्री जी एक जननायक के रूप में पहचाने जाते हैं।
सागर संभाग का उभरता हुआ वेब न्यूज चैनल C7 न्यूज। जी हाँ, C7 न्यूज पल पल घटित होने वाली खबरें, हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें हम दिखाते हैं बेबाकी के साथ। हर खबर, तमाम खबरों के लिए जुड़िए C7 न्यूज के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। जी हाँ, तभी तो पहुँचेगी हर खबर आप तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 9406548786 और 8989444786।